महंगाई दर कितने प्रतिशत है इस वक्त ये बता दीजिए बस, और कांग्रेस के टाइम उठा के देख लीजिए, आपको दिखेगा 2014 में 10% की महंगाई दर थी। आपने जो महंगाई की बात करी वो आप इसेंशियल कमोडिटीज की बात करी, इसेंशियल कमोडिटीज का मतलब जो दाल चावल रोटी, इसेंशियल कमोडिटीज के दाम पूरी दुनिया भर में बढ़े हुए हैं और भारत दुनिया से अलग नहीं है। भारत श्वेत क्रांति वाला देश है और भारत के श्वेत क्रांति वाले देश में अगर दूध भी जो है वो अगर 10 रुपए का अगर आदमी लेकर के जा रहा है तो फिर वो ठीक है। 2014 से पहले किन किन लोगों के पास रोजगार था, आप ये बताइए। उत्तर प्रदेश 45 साल में मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा बेरोजगार। अरे यार 45 साल पहले किसका राज था? इंदिरा गांधी का तो राज था। वही जब मोदी जी के राज में क्यों आया फिर? मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी के राज में कोविड भी आया, ये भी शायद आपको मालूम होना चाहिए। मोदी जी का कोविड 20 में आया, 2020 में, 2020 से पहले का आंकड़ा बता। सुनिए, नौकरी बढ़ी है कि घटी है? कुछ नहीं बढ़ी है, सिर्फ घटी है। नौकरी करने वाले पकौड़े बेच रहे हैं मोदी सरकार। मोदी जी बोल रहे कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी। क्यों, उसने क्या कहा? भैंस चोरी करके ले जाएंगे। अब सैम पित्रोदा का बयान सुनिए, सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? सैम पित्रोदा का बयान सुनिए कि देश की जो संपत्ति है, देखिए संपत्ति है, आधी संपत्ति हम छीन करके उनको दूसरे को दे देंगे। पित्रोदा का बयान मैनिफेस्टो में। अरे सैम पित्रोदा कौन है? सैम पित्रोदा अंकल सैम है, राहुल गांधी के अंकल सैम बने बैठे हुए। और राहुल गांधी की बात अमेठी को छोड़ के भैंस चली जाएगी तो कांग्रेस अमेठी को छोड़ के भागे? कांग्रेस अमेठी को छोड़े? अमेठी क्यों छोड़े राहुल गांधी? क्योंकि उनको मालूम है। अरे मोदी जी गुजरात छोड़ करके क्यों आए? गुजरात छोड़ते, गुजरात उनका पूरा घर है। अरे गुजरात छोड़ करके वाराणसी से वोट भरा कि नहीं भरा? सोनिया गांधी क्यों छोड़ के गई यहाँ से राजस्थान? क्यों राजस्थान छोड़ के गई कि नहीं गई? अरे इससे पहले स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी राजस्थान को गए? स्मृति ईरानी पहले बताइए स्मृति। रायबरेली और अमेठी से ज्यादा केंद्रीय योजनाएं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से ज्यादा योजनाएं हिंदुस्तान में कहीं नहीं। सुनिए सुनिए, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो आप? इनसे कौन जीत पाएगा? कोई नहीं जीत सकता। सुरक्षित करके फटे मगर भाग गए। ये है देश का भविष्य। ये है मेरा देख ये बताइए राहुल जी की तरफ से इधर क्या हाथ उठा? अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ, हेलो, अरे भक्त आ जाओ, अरे दिखाओ उधर, दिखाओ उधर, दिखाओ। एक मिनट, सुनिए, हेलो हेलो, महंगाई दर कितने प्रतिशत है इस वक्त ये बता दीजिए बस। इस समय 5.9% महंगाई दर है और कांग्रेस के टाइम उठा के देख लीजिए, आपको दिखेगा 2014 में 10% की महंगाई दर थी और सन 2000 क्या खाते हो सुबह से? है महंगाई दर, पहले आप पहले बताइए महंगाई दर कितनी है? एक दिन में आप पहले देखिए, सुनिए, इससे आंकड़े में आप सुनिए सुनिए, आप जो महंगाई की बात करना पहले सुनिए, पहले रुको तो सही, मैं भी बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। आपने जो महंगाई की बात करी वो आप इसेंशियल कमोडिटीज की बात करी, इसेंशियल कमोडिटीज का मतलब जो दाल चावल रोटी इसेंशियल कमोडिटीज, और इसेंशियल सबसे पहले पहले सुनिए, इसेंशियल कमोडिटीज के दाम जो है, इसेंशियल कमोडिटीज के दाम पूरी दुनिया भर में बढ़े हुए हैं और भारत दुनिया से अलग नहीं है। और सुनिए, पहले भारत श्वेत क्रांति वाला देश और भारत के श्वेत क्रांति वाले देश में अगर दूध भी जो है वो अगर 10 रुपए का अगर आदमी लेकर के जा रहा है तो फिर वो ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक भारत दूध हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं, दूध जो है वो हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं। हम दूध इम्पोर्ट करते हैं क्या? विदेश से मंगवाते हैं क्या? हम नहीं मंगवाते तो दूध पैदा तो होता है। पहले आप हमें ये बताइए, आप जो बार बार कह रहे हैं कि अनाज के दाम, ये इसके दाम बढ़ रहे हैं, पहले एक बात बताइए कि आखिर लोग कह रहे हैं यूरिया है? आप ये बताइए, लोग यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। एक मिनट रुको, अब एक मिनट रुको, ये लोग बोल रहे हैं भाई, दो आदमी से एक साथ बात नहीं हो पाएगी, एक आदमी दो आदमी से बात नहीं हो पाएगी। नहीं भाई नहीं, अरे रुको ना गुरु, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्पित चंद्र जैन है। मेरी उम्र का आदमी, अगर तुम्हारा कह रहा हूँ, तुतड़ाक तो नहीं कर रहा हूँ ना, तुम्हारा ही। देखे मेरा सबसे बड़ी बात है, आपने कहा, मैं पूछ रहा हूँ नाम क्या और आपका नाम क्या है, बताइए। बोला तो अर्पित चंद्र जैन। अर्पित चंद्र जैन, अच्छा जैन साहब एक मिनट रुक जाओ, ये मेरे ऊपर ये कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी नहीं है, बाबू जी बोल रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ अर्पित, अरे आदमी लाए हो क्या भाई? मैं ए भाई रुको एक मिनट, पहले बात सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारी बात, ये कह रहा भाई महंगाई बेरोजगारी नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ है कि नहीं है? है यार, कहाँ कहाँ महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? सुनिए भैया तो बता तो है, तुम बताओ महंगाई बेरोजगारी, महंगाई तो है जी, दो हजार चौदह नहीं पाई। अभी तो आप कह रहे थे मैं बोल रहा हूँ,
महंगाई कभी नहीं रुकेगी। जैन साहब बदनाम क्यों कर रहे हो? जैन साहब ये हम नहीं कहने जा रहे। हेलो, 2014 से पहले महंगाई बेरोजगारी ठीक नहीं थी? कहां कौन किसके पास रोजगार था 2014 से पहले? 2014 से पहले किसके लोगों के पास रोजगार था, जरा आप ये बताइए। उत्तर प्रदेश 45 साल में मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अरे यार, 45 साल पहले किसका राज था? इंदिरा गांधी का तो राज था। 45 साल पहले किसका राज था? इंदिरा गांधी का तो राज था। वही जब मोदी जी के राज में क्यों आया फिर ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी के राज में कोविड भी आया, ये भी शायद आपको मालूम होना चाहिए। मोदी जी का कोविड 20 में आया, 2020 में, 2020 से पहले का आंकड़ा बता। सुनिए, 2020 में इस बात कितनी है, इस बात आप बताइए कितनी है, बेरोजगारी बताइए कितनी। भाई नॉन स्टॉप बोलोगे तो नहीं। सुनिए, एक बात बोलो, एक बात का उत्तर लो। 10 चैनल नहीं आते थे, एक आप सिलेक्टेड चैनल, आज भाई लोग सब लोग आते हैं, तो कुछ तो हुआ ना बढ़ोतरी, तभी तो आ रहे हैं। पहले एक आध कोई न्यूज चैनल वाले बस घूम के चले आते थे, आज सब लोग आ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है सर। क्या क्या बढ़ा है? अरे जॉब। अच्छा, और क्या, नौकरियां बढ़ गई है? अरे बिल्कुल बढ़ गई है, आदमी कमा खा रहा है। नौकरियां बढ़ गई है, कम हुई है? कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ी नौकरी, कुछ नहीं बढ़ी, सारी नौकरी तो छीन रही है सरकार। क्या कर रही है सरकार आज की डेट? नौकरी बढ़ी है कि घटी है? कुछ नहीं बढ़ी है, सिर्फ घटी है। नौकरी करने वाले पकौड़े बेच रहे हैं मोदी सरकार में। तो मैं तो बेटा साइड में हूँ, वो लोग खड़े हैं तो मैं उनको क्या कह सकता हूँ? मैं ट्रैफिक में नहीं हूँ ना गुरु, मैं साइड में खड़ा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? एक बार मेरे नाम मणिपुर को पता कितना साल हो गया है? मणिपुर मोदी जी गए हैं क्यों? अमित शाह नहीं गए? एक बार अमित शाह नहीं गए? अमित शाह गए कि नहीं गए? अमित शाह मोदी जी नहीं जाने चाहिए? अमित शाह गए कि नहीं गए? मोदी जी जाने मंत्रालय पहले बताए, गृह मंत्री जाते हैं कि नहीं? अरे अमित शाह, अरे रुको भाई, आंगली से मारोगे? पहले आप हमको मार कौन रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, अरे रुको, प्रधानमंत्री होने जाए पहले आप बताओ, अमित शाह गृह मंत्री के पहले ये बताइए। कांग्रेस मोदी जी बोल रहे कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, क्यों? उसने क्या कहा? भैंस चोरी करके ले जाएंगे। अब सैम पुरुषोत्तम का बयान सुनिए, सैम पुरुषोत्तम ने क्या कहा था? सैम पुरुषोत्तम का बयान सुनिए कि देश की जो संपत्ति है, देश की संपत्ति है, आज ये संपत्ति हम छून करके उनको दूसरे को दे देंगे। सैम पुरुषोत्तम का बयान मैनिफेस्टो में। अरे सैम पुरुषोत्तम कौन है? सैम पुरुषोत्तम अंकल सैम है, राहुल गांधी के अंकल सैम बने बैठे हुए, और राहुल गांधी की बात बताइए। अमेठी को छोड़ के भैंस चली जाएगी तो कांग्रेस? अरे अमेठी को छोड़ के भागे कांग्रेस? अमेठी को छोड़े? अमेठी क्यों छोड़े राहुल गांधी? क्योंकि उनको मालूम है। अरे मोदी जी गुजरात छोड़ करके क्यों आए? गुजरात छोड़ते, गुजरात उनका पूरा घर है। अरे गुजरात छोड़ करके वाराणसी से वोट भरा कि नहीं भरा? भरा। वाराणसी में जन्म थोड़ी ना हुआ? अरे तो मोदी का जन्म वाराणसी में हुआ? क्या राहुल गांधी का जन्म रायबरेली में हुआ है? राहुल गांधी का? अरे उनका परिवार, अरे मैंने पूछा तुम्हारा परिवार है ना, तुम्हारा परिवार तो अमेठी से भी था, अमेठी से क्यों नहीं करे? तो अमेठी से लड़ा ना भाई? मैंने पूछा तो अमेठी से था, एक मिनट एक मिनट, हम पूछ तो रहे अमेठी क्यों छोड़ के भागे? क्या करते हो तुम इसमें? क्या करते हो भाई? अमेठी में तुम क्यों चले गए? नॉलेज की तो बात कर ना। रायबरेली में तुम क्यों आए? क्या करते हो? सोनिया गांधी क्यों छोड़ के गई यहाँ से राजस्थान? मुझे आप क्यों राजस्थान छोड़ के गई कि नहीं गई? अरे इससे पहले स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी राजस्थान को गए? स्मृति ईरानी पहले बताइए, स्मृति पहले स्मृति ईरानी राज्यसभा थी ना? स्मृति ईरानी राजसभा थी ना? स्मृति ने राहुल का, जेपी नड्डा जो है, राहुल गांधी की हवा टाइट हो गई। राहुल गांधी क्यों अमेठी छोड़े? जेपी नड्डा जो है, राहुल गांधी क्यों? पहले आप बताइए। रायबरेली और अमेठी से ज्यादा केंद्रीय योजनाएं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, समझ रहे हैं आप? कहाँ छोड़ा, कहाँ छोड़ा? रायबरेली जुड़ा हुआ है अमेठी, अमेठी सलोन, सलोन क्या है? अरे बेटा सीधी बात जान लो, कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से ज्यादा योजनाएं हिंदुस्तान में कहीं नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, कौन सी एम्स है, कहाँ पे है? इनसे नहीं बात की जा सकती, इनसे नहीं जीता जा सकता। आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो आप, इनसे कौन जीत पाएगा? कोई नहीं जीत सकता। सुरक्षित करके मगर भाग थे, ये है देश का भविष्य, ये है। अरे मेरा देख लो, जॉर्डन के, एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट सुनो तो ये बताइए राहुल जी की तरफ से इधर कितने जने हाथ उठा रहे हैं? अरे इधर आओ। हेलो, अरे भक्त आ जाओ, अरे दिखाओ इधर, दिखाओ इधर, दिखाओ, एक मिनट सुनिए। हेलो 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 भैया,
एक वोटिंग हो जाए। अभी इतनी देर से बहस कर रहे थे भाई साहब हमारे, तो बात कैसे होगी भाई? ये कह रहा हूँ राहुल जी की तरफ से कितने जने हाथ उठा रहे हैं? नहीं अरे वो कोई हाथ उठाने के लिए नहीं आया, इधर आ गया, ये मेरा स्टाफ इधर आओ। अरे रुको रुको, ये गलत बात छोड़ो, हम बात हाथ उठाने और हाथ गिराने के लिए नहीं आए, हम तो समझने के लिए केवल आए हैं। भैया देखिए 10 साल से मोदी जी हैं, ये नहीं कह रहे कि विकास नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन अब कुछ तो बदलाव आ जाए, रोजी रोटी साले का बेकार हो गई। इतने ई रिक्शा खुलवा दी ने कि कहा बताई, 25 लाख क्या कह रहे हो? 25 लाख के लिए बोले थे ना देने के लिए, कौन सरकारी अस्पताल में अगर फ्री इलाज होगा ना बोले थे मोदी जी, वो कहाँ मिल रहा है, किसी को मिला है? बहुत आयुष्मान कार्ड मेरी बुआ का बना है, 5 लाख रुपए का, कुछ नहीं मिला, 25 नहीं 5 लाख, आयुष्मान कार्ड में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलो ये बताएं, अरे हम तो बस पूछ रहे थे कि भाई चुनाव का क्या है, वो बीच में कोई भक्त आ गए वो फिर भाग भी गए, अब क्या बताऊं मैं, भाग गए भोलेनाथ और झूलेलाल के पास। भक्त तो जो है वो आस्था ही उसमें होनी चाहिए, कोई योगी नहीं कोई और राहुल नहीं, ये तो सिर्फ राजनीति, उनसे तो सवाल जवाब करिए, अपना काम निकलवाइए, बस वोट देकर के बैठाया है भैया, यही कह रहा हूँ। रायबली की सड़कें देख लो, मोदी जी राहुल जी तो कर देंगे, आप भी तो करो, क्या कह रहे हो? हमारा ये कहने का मतलब है कि रायबली की सड़कें या जो भी चीजें हैं, तो सांसद तो सोनिया गांधी ही है यहाँ से, और सोनिया गांधी जी आपकी चुनाव में क्या दिख रहा है? चुनाव में तो यहाँ का तो चुनाव तो जनता देती ही उनको वोट, अबकी क्या हो रहेगा कांग्रेस में, अबकी भी हम मतलब रहेगा तो उन्हीं का, लेकिन एक सवाल ये है कि मान लीजिए राहुल गांधी यहाँ से जीत गए, और जीतने के बाद यहाँ रहेंगे कि वायनाड में रहेंगे? अगर एक जगह से तो कहीं से तो उनको रहना ही पड़ेगा, उन्होंने मतलब ये दिखाया कि शायद जहाँ से ज़्यादा वोट मिलेंगे वहाँ हम रहेंगे, तो एक जगह का तो नुकसान होगा ही होगा ना, दोबारा चुनाव होगा। अरे ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी तीन जगह से लड़े थे, मोदी जी खुद जब यहाँ आए जब 2 जगह से लड़े थे, गुजरात से भी यूपी से भी। नहीं तो हम उनका पक्ष थोड़े ले रहे हैं, आप तो उनका पक्ष ले रहे हो, काउंटर बता रहा हूँ मैं, काउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ जो भी ये कर रहा है वो गलत कर रहा है, जनता के साथ जो गलत हो रहा है वो तो फिर सरकार अटल करे हो चाहे गांधी करे हो, सरकार को नियम बना देना चाहिए। आप एज ए न्यूज एंकर बात कर रहे हो कि एज ए जो है कांग्रेस बात कर रहा हूँ? मैं तो एज ए जो है वो जब आप बीजेपी की बात करो तो मैं बीजेपी की नहीं कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ एक आदमी जब 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो उसको 2 जगह से क्यों लड़वाया जाता है भाई चुनाव, जब ये पता है कि उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, पक्षधर हो कि फिर देश में कानून बना करके कर देना, ये करना चाहिए। लेकिन जब हमने ये कहा तो आपने ये चीज काउंटर पर रखा कि उन्होंने भी ऐसा किया था, आपको कहना नहीं पता हमको है ना, आपको ये कहना चाहिए कि ये काउंटर बताऊंगा जी, अगर कोई बीजेपी का बोलेगा तो मैं कांग्रेस की भी बताऊंगा, अगर कांग्रेस का बोलेगा तो बीजेपी, मैं ना बीजेपी मेरा काउंटर का बताना काम है का हूं। अरे मैं रायबली का हूँ, और रायबली का एक बात सुनिए, मान लीजिए कि आप एक आपके मन में ये बात अभी आई, अभी नहीं आई पहले से 15 साल पहले से आई, मान लीजिए एक मिनट जी, लेकिन कोई और दूसरे आदमी के मन में ये बात आई और उसको ये बात ना पता हो तो पत्रकार का काम है बताना, ठीक है ना सर? तो नहीं पता उसको बताना पत्रकार, थैंक यू। चलिए तो यही चुनाव है, बहुत साइलेंट है, लेकिन जैसे जैसे आप कूड़े देंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती है और फिर उसके बाद में माहौल कहाँ का कहाँ जो है चला जाता है। तो बहरहाल सवाल अब यही है कि क्या चुनाव जो है वो जैसा दिख रहा है कि साइलेंट है, और ये साइलेंट जो है चुनाव कहीं इस तरफ जा रहा है या उस तरफ जा रहा है वैसा ही है, या फिर जिस तरीके का माहौल यहाँ पर दिख रहा है चुनाव कुछ ऐसा है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।